ऑफ में भाई वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम, वी वेलकम बैक टू द अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मिक्रा कवल, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। दोस्तों, हम सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं तो सबसे ज़्यादा व्लॉगिंग की वीडियो नज़र आ रही होती हैं और तरह तरह के व्लॉगर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें अपने लाइफस्टाइल और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बता रहे होते हैं। ये फैमिली व्लॉगर हमारी नौजवान नस्ल और बच्चों को कैसे तबाह कर रहे हैं, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई। अगर आपके माँ बाप हैं वो आपका सिर्फ कॉन्टेंट ही है, आपकी बीवी बहन बच्चे बेटा बेटी वो सिर्फ आपका कंटेंट ही है। माँ बहन बीवी बच्चे दिखा कर इनको ज़रा शर्म महसूस नहीं होती। ये सोशल मीडिया पर आकर बताते हैं कि मैं सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा रहा हूँ। ये सब कुछ बताने का मकसद कि नौजवान अपनी प्राइवेसी को ख़त्म करके अपनी औरतों को दिखाकर पैसा कमाए। और कुछ मिलाकर कहते हैं कि हम 2-2.5 करोड़ कमाते हैं। ये लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाकर हमारे बच्चे बच्चियों के जहन में मायूसी का सबब बनते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब कुछ मेरे पास क्यों नहीं। फिर ये बच्चे बच्चियां देखकर इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनकी तरह मोबाइल उठाकर और इनकी तरह करते हैं। फैमिली व्लॉगर हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं जिसका हमारे दीन इस्लामी तालीमात और अक्ल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये फैमिली व्लॉगर की ज़िंदगी हमारी तरह ही होती है डिप्रेशन और टेंशन से भरी पड़ी। आपको ये वो सब चीज़ें दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुश होते हों। ये पूरा दिन व्लॉग बनाते रहते हैं, वीडियो में से वही क्लिप निकालते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश हों। और इनकी भी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह ही होती है डिप्रेशन और टेंशन से भरी पड़ी। आप सोचें कि ऐसा कौन हो सकता है जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो। और आजकल के बच्चे ज़्यादातर फैमिली व्लॉगर को देखकर तरबियत सीख रहे हैं। आज के दौर में वालदैन की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है। और यूट्यूब के अंदर तकरीबन 80% व्लॉगिंग की वीडियो मौजूद है और इनको ज़्यादातर देखने वाले आजकल के बच्चे हैं। और इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देखने के बाद बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास क्यों नहीं, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये व्लॉगर सिर्फ और सिर्फ जहालत की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनके अंदर कोई हया शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं ये सोचकर बहुत हैरान होता हूँ कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा। आप इन फैमिली व्लॉगर को देखना बंद कर दें, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। ये वो सब कुछ दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जिसका हमारा दिन इजाज़त ही नहीं देता। आप कोशिश करें कि इन फैमिली व्लॉगर को देखना बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।